क्लास 9 हमें मिडिल साइंस क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो लास्ट टाइम बात की थी कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दूरी के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे ऑब्वियसली, और विस्थापन के ऊपर क्वेश्चन किए थे। ऐसी बात है कि विस्थापन के ऊपर नहीं किया, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाए और लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद वापस विजिट करें। लेकिन आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं कि विस्थापन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, और दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेशन होती है, उसमें बात करते हैं। कुछ एकदम इजी एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल बढ़िया होता है। ये पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सपोज यहाँ पे एक इंसान खड़ा हो रही है, आज जो काम में बहुत जरूर है उसका नाम भी नाम है लॉर्ड ऑफ सप्ता, सिर्फ नाम है तो अपने इसको तुम बड़ा जैसे नाम कर सकते हैं, भगवान राम तो शायद तो राम की बात करते हैं। राम अगर ओपर लड़ाएगा और ये हर कदम इसका एक कदम का मतलब होता है, एक कदम में चलता है एक मीटर, एक कदम में कितना चलता है एक मीटर, चाहे वो आगे कदम ले चाहे वो पीछे कदम ले, दो इच्छा आगे जाने की और पीछे जाने की, करेक्ट बिल्कुल बेसिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज जो राम है वो पांच कदम आगे लेता है, पांच कदम आगे लेता है प्लस दो कदम पीछे लेता है, दो कदम पीछे लेता है, तो बताओ राम का विस्थापन तो कितना है और राम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। कैलकुलेट करो उससे फटाफट, वीडियो पॉज करके एक बार इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करो, है ना। स्टार्ट करते हैं। अगर राम पांच कदम आगे चलता है तो हर कदम में तो एक मीटर चलता है, तो ऑब्वियसली इस लाइन में वो पांच मीटर चलेगा, माइनस दो तो वो आप यहां से तीन मीटर, सही बात है क्या? कितने कदम दूर होगा? तीन कदम दूर होगा, ऐसे एक कदम में यहां, दो कदम में यहां, तीन कदम में यहां, ये चार, ये पांच, और क्या इतना है पता है? एग्जाम्पल को अपने आगे वैल्यू से कंसिडर कर सकते हैं, किसी कण द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, जो भी आप कहना चाहो,
कण वस्तु या जो भी आप मानना चाहोगे प्रारंभ बिंदु जब गति की प्रारंभ करें तब प्रारंभ बिंदु और गति का जो अंतिम बिंदु हो उसके बीच की इस सीधी दूरी। तो ये वाला कण का प्रारंभिक बिंदु है, ये वाला कण का अंतिम बिंदु है, ये दूरी जो होगी वो विस्थापन, विस्थापन कितना 1, 2, 3 विस्थापन 3 मीटर। क्लियर? ऐसा तो इसमें ज्यादा बंदा है, इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं इससे जो तुम्हें लगे। सपोज एक बच्चे ने राम यहां खड़ा, करेक्ट, ये 3 कदम आगे लेता है और 4 कदम पीछे लेता है, तो बताओ राम कहां पे होगा? राम बोला पहला तो राम कहां पे होगा, राम तो राम देख के दूरी कितनी है और राम तो राम देख के स्थापन कितना है, ये क्वेश्चन है कि राम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, राम द्वारा तय किया गया स्थापन कितना है। लेट्स सी, अब देखो अब इन वर्ड्स को मत चला ना, ये तो सिर्फ अंतर के लिए लिखे कि यहां से यहां इनका बीच का 1 मीटर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। राम यहां से यहां पहुंचा 3 कदम आगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, करेक्ट, तो 3 कदम तो राम आगे गया, करेक्ट, तो 3 कदम में कितना चल लिया, 3 कदम में कितना चल लिया, 3 मीटर, करेक्ट, तो 3 मीटर में ये चला होगा और 4 कदम पीछे, लेकिन चलेगा तो मीटर में ही, तो 4 कदम पीछे मतलब 4 मीटर, टोटल कितने मीटर चला, 7 मीटर, टोटल कितना हुआ, 7 मीटर, मतलब राम द्वारा तय की दूरी कितनी हुई, 7 मीटर। 3 कदम जो है यहां से गया होगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, फिर 4 कदम नीचे, तो वापस 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो यहां आ जाएगा। क्लियर? तो राम कितना चला, 3 कदम तो आगे, तो 4 कदम वापस पीछे गए, तो टोटल चला कितना, 7 कदम, मतलब 7 मीटर, कितना चला, 7 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 7 मीटर, दूरी कितनी हुई, 7 मीटर। अच्छा विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, ये वाली कोई कहेगा एक गलत, एक तो किसी साथ माइनस है, क्योंकि यहां से आगे जाता तो प्लस होता, पीछे आया है माइनस। क्लियर? तो कितने मीटर विस्थापन हुआ, माइनस का 1 मीटर विस्थापन हुआ, विस्थापन हुआ माइनस 1 मीटर। क्लियर? घर से क्वेश्चन करना, अगर 13 कदम आगे चले और 4 कदम पीछे चले, सॉरी 15 कदम पीछे चले, तो बता रहे हैं कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन तुम लोगों को अपन के लिए, तो घर से करें।